आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भारत की जनसंख्या को लेकर धोखा खा गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया है। इमरान ने हाल ही में अपने एक वीडियो में भारत की आबादी को 1 अरब 300 करोड़ बता दिया था, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो इस वीडियो में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बात कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके इमरान खान इस वीडियो में कहते हैं कि वनडे क्रिकेट के अलावा आजकल टेस्ट क्रिकेट का भी विश्व कप होता है। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड, जिसकी आबादी सिर्फ 40 से 50 लाख है, उसने भारत के 1 अरब 300 करोड़ की आबादी वाले देश को हरा दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही इमरान की मैथ्स को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इमरान की इस वीडियो को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर से तंज कसा और कहा कि भूगोल, इतिहास और अब गणित पीएम इमरान खान के सबसे खराब विषय साबित हुए हैं। हो सकता है कि उन्होंने केमिस्ट्री में अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो इमरान खान की पढ़ाई को लेकर इमरान खान को ट्रोल किया जा रहा है, उनकी सूझबूझ को लेकर, उनकी मैथ्स को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की जनसंख्या को लेकर गच्चा खा गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। इमरान ने हाल ही में अपने एक वीडियो में भारत की आबादी को 1 अरब 300 करोड़ बता दिया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वो इस वीडियो में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बात कर रहे थे। अचानक पता नहीं उन्हें क्या हुआ और उन्होंने भारत की आबादी को इतना ज्यादा बता दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके इमरान खान इस वीडियो में कहते हैं कि वनडे क्रिकेट के अलावा आजकल टेस्ट क्रिकेट का भी विश्व कप होता है। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड, जिसकी आबादी उन्होंने 40 से 50 लाख बताई है, उसने भारत की 1 अरब 300 करोड़ की आबादी वाले देश को हरा दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही इमरान की मैथ्स को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इमरान की इस वीडियो को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने ये लिख दिया कि भूगोल, इतिहास और अब गणित पीएम इमरान खान के सबसे खराब विषय साबित हुए हैं। हो सकता है कि उन्होंने केमिस्ट्री में कोई अच्छा प्रदर्शन कर रखा हो। अमेरिका में स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच चलाए जाने वाले गिफ्टेड एजुकेशन प्रोग्राम ने एक भारत मूल की 11 वर्षीय बच्चे को दुनिया के सबसे मेधावी स्टूडेंट में से एक घोषित किया है। न्यूजर्सी स्थित थेमला एल सिमाइंडर एलिमेंट्री स्कूल की छात्रा नताशा पेरी को CAT, ACT और अन्य परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इन परीक्षाओं का आयोजन जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ की ओर से टैलेंट सर्च अभियान के तौर पर किया गया था। डूडलिंग और GRR टॉलकिन के उपन्यास पढ़ना पसंद करने वाली पेरी ने जॉन हॉपकिंस की आयोजित हाई ऑनर अवार्ड में अपनी जगह बनाई है और उन 20% बच्चों में शामिल हुई है जिन्होंने टैलेंट सर्च अभियान में हिस्सा लेकर अवार्ड के लिए क्वालिफाई किया है। तो दुनिया की सबसे टैलेंटेड छात्रा बनी है, भारतीय मूल की छात्रा है नताशा पेरी। भारत की सांस्कृतिक विरासत 5000 से ज्यादा साल पुरानी है। भारतीय संस्कृति की विविधताओं से प्रेरित होकर भारत समेत दुनिया भर में अनेकों लेखकों ने इसका बखूबी वर्णन किया है। ऐसा ही एक तस्वीर यूरोप के एक देश पोलैंड में देखने को मिली है। पोलैंड की वार्सवा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की दीवार पर उपनिषद के ग्रंथ अंकित है। पोलैंड में भारतीय दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर सामने आई है, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको अभी दिखाई दे रही है। तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा गया है, कितना सुखद दृश्य है, ये वार्सवा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की दीवार है जिस पर उपनिषद उकेरे गए हैं। उपनिषद हिंदू दर्शन के स्वर्गीय वैदिक संस्कृत ग्रंथ है जो हिंदू धर्म की नींव बनाते हैं। पोलैंड में भारतीय दूतावास के इस ट्वीट को कई भारतीयों ने शेयर किया है और कमेंट भी किया है। एक श्रीजीत शशिधरन नाम के शख्स ने कहा, वार्सा में विस्तुला नदी के किनारे मेरे दिल का एक टुकड़ा, ये मेरे पिछले घर के पास है। एक दूसरे यूजर ने कहा, ये देखकर अच्छा लगा, हालांकि मुझे आशा है कि वो पाठ की पवित्रता को समझते हुए और उसे बनाए रखेंगे। तो वाकई भारतीय संस्कृति को देखकर, वो भी ऐसी जगह जो भारतीय मूल की ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। आपको बता दें कि भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है वो 5000 से भी
साल से भी ज्यादा पुरानी है और भारतीय संस्कृति की विविधताओं से प्रेरित होकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक लेखक ऐसे हैं जो इसका बखूबी से वर्णन कर चुके हैं। और ऐसा ही वर्णन अब पोलैंड में सामने आया है, जहाँ की वार्सवा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की दीवार पर उपनिषद ग्रंथ लिखे हैं जो कि संस्कृत में है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। गुरुवार को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। भारत की जीत के हीरो सिमरनजीत सिंह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 फील्ड गोल किए। सिमरनजीत 17वें और 34वें मिनट के अलावा हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और उपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में स्कोर किए। वहीं जर्मनी के लिए तिमूर ओरुज ने 2वें, निकलास विलेन ने 34वें और बेनेडिक्ट हुर्क ने 25वें और लुकास फिनवेडर ने 48वें मिनट में गोल दागे। भारत की जीत में गोलकीपर पीआर श्रीजेश की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने शानदार 9 बचाव किए। टीम इंडिया 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब रही। इससे पहले भारत को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने पीला तमगा जीता था। उसके बाद से भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में 5वें स्थान पर रहने के बाद वो इससे बेहतर नहीं कर सकी थी, लेकिन इतने सालों बाद देश इस खुशी का जश्न मना रहा है। खिलाड़ियों के जो परिवार है, उनके परिवार की तरफ से भी कई वीडियोस, कई फोटो सामने आ रही हैं, जहां पर उनके परिवार में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। भारत के जो राजनेता हैं, वो लगातार इनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता से लेकर राजनेता अभिनेता तक इनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और मेडल जीत कर टोक्यो में इतिहास रच दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर धाक जमा ली है। गुरुवार को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। भारत की जीत के हीरो रहे सिमरनजीत सिंह, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। वहीं सिमरनजीत के अलावा हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें, रुपिंदर पाल सिंह ने 41वें मिनट में स्कोर किया है। जर्मनी के लिए भी ये काफी कांटे की टक्कर रही, लेकिन भारत इसे जीतने में कामयाब रहा है और 41 साल बाद ये जीत का स्वाद भारत चख पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत को मेक इन इंडिया का बेहतरीन नमूना बताया और इसके समुद्री परीक्षण की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारतीय नौसेना को बधाई दी है। विमान वाहक जहाज विक्रांत का समुद्र में बहुप्रेक्षित परीक्षण बुधवार को शुरू हो गया। ये देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को अपने एक ट्वीट में कहा, लिमिटेड की तरफ से निर्मित स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत ने आज अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया। ये मेक इन इंडिया का नायाब नमूना है। भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई। विक्रांत को इसके विमानन परीक्षण पूरे करने के बाद अगले साल की दूसरी छमाही में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसे करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और मेक इन इंडिया इस पर लिखा गया है, जो कि अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और ऐसा कहते हुए देश के प्रधानमंत्री को भी पूरा गर्व महसूस हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत को मेक इन इंडिया का बेहतरीन नमूना बताया और इसके समुद्री परीक्षण की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारतीय नौसेना को बधाई दी है। विमान वाहक जहाज विक्रांत का समुद्र में बहुप्रेक्षित परीक्षण बुधवार को शुरू हो गया। ये देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय नौसेना की तरफ से डिजाइन किए गए और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निर्मित स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है। ये मेक इन इंडिया का नायाब नमूना है। भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई। विक्रांत को इसके विमान परीक्षण पूरे करने के बाद अगले साल की दूसरी छमाही में भारतीय नौसेना के शामिल किए जाने की पूरी उम्मीदें हैं। इसको करीब बनाने में 23,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है, लेकिन वाकई जब ये भारतीय नौसेना में शामिल होगा तो भारतीय नौसेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि हवा में, पानी में और धरती पर तीनों तरह से दुश्मन को आंख दिखाने से
तीनों ही सेना रोकने वाली है, क्योंकि आसमान, धरती और पानी में भारत की ताकत जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। तो मेक इन इंडिया का बेहतरीन नमूना है विक्रांत, जो कि अगले छमाई में भारतीय नौसेना में शामिल हो सकता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। हर दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार सुबह की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,982 नए कोरोना केस आए हैं और 533 संक्रमितों की जान चली गई है। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 22,414 नए मामले सामने आए। केरल में बुधवार को कोविड के 22,414 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,71,000 से ज्यादा हो गई है। वही 108 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 17,211 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 32,77,000 लोग अभी तक संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं फिलहाल 1,76,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,97,000 नमूनों की जांच के बाद संक्रमण दर 11.37% दर्ज की गई। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,726 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कुल मिलाकर 723 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिक पहले से ही चेता चुके हैं, अभी से ही सावधान रहने की जरूरत है। और रही बात केरल की, तो केरल में सख्त कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़ों में कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। चीन में फिर से कोरोना वायरस लौट आया है। बुधवार को देश भर में कोरोना वायरस के दर्जनों मामले सामने आए, जिसके बाद आंकड़े आने के बाद झांगझियो जे शहर को सील कर दिया गया। इसके साथ ही वुहान में स्कूल, कोचिंग और कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। लोगों से कहा गया है कि वो मास्क जरूर लगाएं। प्रशासन ने शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में स्वास्थ्य निगरानी बढ़ा दी है। झांगझियो जे शहर के सभी 1.10 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। चीन में स्थानीय संक्रमण के 71 नए मामले बुधवार को आए। हवाई अड्डे से फैला संक्रमण देश के 17 प्रांतों तक पहुंच चुका है। इसमें से आधे मामले तटीय प्रांत जिग्याशु में आए हैं, जिसकी राजधानी नानजिंग है। वुहान में साल 2019 के आखिर में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था। तब तक भारत को नहीं पता था कि कोविड-19 होता क्या है, लेकिन उसके बाद 2020 में पूरी दुनिया को पता चल गया कि कोविड क्या है, और कोविड की तीसरी लहर, कोविड की दूसरी लहर और कई देशों में कोविड की चौथी लहर चल रही है। और यहाँ पर बड़े पैमाने की जांच हुई है और उसके बाद पता चला है कि इसकी समानता जिज्ञासु से मिले मामलों से है। संक्रमण के मामले वायरस के डेल्टा स्वरूप के हैं, जो बहुत संक्रामक है। यानी चीन में भी कोरोना का खतरा जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि अमेरिका बार बार चीन को चेताता हुआ नजर आया है। बार बार उसने चीन पर ये इल्जाम लगाया है कि चीन की वुहान लैब से ही जो संक्रमण है कोरोना का वो फैला है। हालांकि चीन इस बात से लगातार नकारता हुआ नजर आया है, लेकिन अब चीन में भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और डेल्टा वेरिएंट का ही एक नया स्वरूप यहाँ पर मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तमाम सलाह मशवरे के बाद बुधवार को अपनी पार्टी के विधायक अब्दुल कयूम निजाजी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का नया प्रीमियर मनोनीत किया है। नियाजी ने हाल ही में अब्बासपुर पुंछ इलाके से चुनाव जीता था। खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को 53 सदस्यीय सदन में 32 सीटें मिली हैं। खान की पार्टी पीओके में पहली बार सरकार बना रही है। भारत ने अवैध कब्जे वाले इस राज्य में चुनाव को कॉस्मेटिक सर्जरी बताते हुए पहले ही खारिज कर दिया था। भारत ने पीओके में हाल ही में हुए चुनावों को खारिज करते हुए कहा कि दिखावे का ये चुनाव और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से अपना अवैध कब्जा छुपाने की कोशिश है। भारत इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराता है। पीओके के चुनाव पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा था कि भारत की सीमा में पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं बनता है और उसे वैध रूप से कब्जाई गई जमीन छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पीओके को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से
हमेशा से ही अपना इस पर वर्चस्व जताता आया है और इस बार भी वही कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तमाम सलाह मशवरे के बाद भी बुधवार को अपनी पार्टी के विधायक अब्दुल कयूम नियाजी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का नया प्रीमियर मनोनीत किया है। नियाजी ने हाल ही में अब्बासपुर पुंछ इलाके से चुनाव जीता है, जिसके बाद उन्हें ये उपाधि मिली है। खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को 53 सदस्य सदन में 32 सीटें मिल गई हैं, जिसके बाद इमरान खान बौखलाए हुए हैं और खुशी के मारे झूम रहे हैं। खान की पार्टी पीओके में पहली बार सरकार बना रही है। भारत ने अवैध कब्जे वाले इस राज्य में चुनाव को कॉस्मेटिक सर्जरी बताते हुए पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है। भारत ने पीओके में हाल ही में चुनावों को खारिज करते हुए कहा कि दिखावे का ये चुनाव कुछ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से अपना अवैध कब्जा छुपाने की कोशिश है, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। मध्य चीन के हेनान प्रांत में 1000 साल में हुई सबसे भारी बारिश के कारण पिछले महीने आई अप्रत्याशित बाढ़ से मरने वालों की संख्या पिछले आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में 3 गुना ज्यादा हो गई है। चीन सरकार ने सोमवार को आपदा से निपटने के तरीकों की जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि हेनान प्रांत की झेंगोई सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहाँ कुल 242 लोगों की जान चली गई है और 47 अब भी लापता है। प्रांतीय अधिकारियों ने शुक्रवार को मृतकों की संख्या 99 बताई थी, जो बढ़कर 302 हो गई है या इससे ज्यादा भी हो सकती है, जबकि 50 अन्य अभी भी लापता हैं। मूसलाधार बारिश से 150 काउंटी स्तरीय क्षेत्रों में 1,45,30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। खबरों में कहा गया है कि 1,90,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षतिग्रस्त हो गई है और पूरे प्रांत में 30,600 से ज्यादा घर गिर गए हैं। और ये वही चीन का हिस्सा है जहाँ पर बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है और यहाँ पर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 30,000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नुकसान करोड़ों में हुआ है, लोगों के घर ढह गए हैं। कुछ रिहायशी इलाके भी हैं जो कि इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मंदिर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार शाम को पंजाब प्रांत के सादिकाबाद जिले के भूंग शरीफ गांव के सिद्धि विनायक मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग लाठी डंडा लेकर मंदिर में घुसते हैं और मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। उपद्रवियों ने मंदिर की दूसरी जगहों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच पीएम इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट कर कहा कि बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इस अप्रिय घटना का संज्ञान लिया गया और जिला प्रशासन को मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। घटना के बाद इलाके की पुलिस ने मंदिर के पास बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। तो वीडियो वायरल होने के बाद आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं। मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इस अप्रिय घटना का संज्ञान भी लिया गया और जिला प्रशासन को मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। घटना के बाद इलाके की पुलिस ने मंदिर के पास बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि जिसने भी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय मूल के गुरबीर ग्रेवाल ने अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन में शक्तिशाली भूमिका निभाई जा रही है। न्यूजर्सी राज्य में अटॉर्नी जनरल रहे गुरबीर ने इसी के अधिकारियों ने बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर के इस्तीफे से खाली प्रमुख पद संभालने का आग्रह किया। वो सोमवार से नया काम शुरू करेंगे। बता दें कि उन्होंने रंगभेद और अश्वेतों के खिलाफ नफरत की मुहिम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। जर्सी सिटी में भारतीय अप्रवासियों के यहाँ जन्मे ग्रेवाल वोजन काउंटी में अपनी डॉक्टर पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहते हैं। बोर्ड का काम देखने के लिए उन्हें वॉशिंगटन आना पड़ेगा। वो अमेरिका में किसी राज्य के पहले सिख अटॉर्नी जनरल थे। पिछले शुक्रवार को न्यू जर्सी में अपने भावनात्मक विदाई भाषण में उन्होंने सरकार और आप्रदायिक न्याय सिस्टम में लोगों खासकर अश्वेतों का भरोसा बहाल करने और बढ़ाने की जरूरत बताई है।
उनका कहना है कि न्याय केवल गिरफ्तारियों या सजा की संख्या पर निर्भर नहीं होता है, न्याय उन मामलों से भी संबंधित है जिन्हें दर्ज नहीं किया जाता, ऐसे लोगों से भी जुड़ा है जो आपराधिक न्याय के दायरे से बाहर हैं। तो काम शुरू जल्द ही करेंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सिख अटॉर्नी जनरल बना है, अब उन्हें एक और उपाधि दी गई है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रख्यात भारतीय उद्योगपति यूसुफ अली एमए को सरकार के सर्वोच्च संगठन में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ये संगठन यूएई के सभी कारोबारियों की निगरानी करता है। 29 सदस्यीय इस बोर्ड में शामिल किए जाने वाले वो अकेले भारतीय हैं। 65 वर्षीय यूसुफ अली अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। पद्मश्री विजेता यूसुफ अली केरल के त्रिशूर जिले के नट्टाकिया के निवासी हैं। ये कंपनी कई देशों में हाइपरमार्केट और रिटेल कंपनियों का संचालन करती है। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद ने अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशकों को एक नए बोर्ड के गठन का प्रस्ताव जारी किया था। SDCCI के अध्यक्ष अब्दुल्ला मोहम्मद अल मिजरोई और यूसुफ अली उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। SDCCI अबू धाबी में स्थापित सभी कारोबारों का सर्वोच्च संगठन है। ये क्षेत्र का सबसे रईस और प्रभुत्वशाली संगठन है। यहाँ के सभी प्रभावी और बड़े कारोबारों को SDCCI से ही लाइसेंस लेना होता है। अमीरात और सीओ वाले इस बोर्ड में यूसुफ अली अकेले भारतीय हैं। उन्होंने अपनी नियुक्ति को अपने जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण बताया, साथ ही क्राउन प्रिंस के प्रति गहरा आभार भी जताया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। कई देशों में इसके नए नए वेरिएंट ज्यादा कहर बरपा रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट अधिक जानलेवा हो सकता है। उनके अनुसार ये इतना जानलेवा होगा कि इससे हर 3 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है। लंदन स्थित साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी ने शोध के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है। प्रकाशित की गई शोध रिपोर्ट में चेताया गया है कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट अब भविष्य में आएगा वो मर्स वेरिएंट से भी ज्यादा घातक हो सकता है। इस वेरिएंट की इस समय मृत्यु दर 35% है। शोध पत्र में वैज्ञानिकों की टीम ने सुझाव दिए हैं कि जिन जानवरों के जरिए कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पैदा होने की आशंका है उन्हें या तो मार देना चाहिए या फिर उनका टीकाकरण करना चाहिए। ऐसे में इन जानवरों में वायरस के नए वेरिएंट को पनपने से रोका जाएगा और इन जानवरों के जरिए नया वेरिएंट इंसानों में फैलेगा। तो कोरोना के सुपर म्यूटेंट वेरिएंट से ब्रिटिश के जो वैज्ञानिक है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं और उन्होंने चेता दिया है कि अगर ये वेरिएंट फैलता है तो हर 3 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है, इतना खतरनाक है। पुलिस पुरस्कार से सम्मानित फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में तालिबान ने 16 जुलाई को हत्या कर दी थी। अब अधिकारियों का कहना है कि उनकी हत्या क्रूर तरीके से की गई थी। कुछ वीडियोस और कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है। उनका शव बुरी तरह से शक फिशक था। सिद्दीकी को 2018 में समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करने के दौरान पुलित्सर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 16 जुलाई को पाकिस्तान की सीमा से लगते अफगानिस्तान के कस्बे स्पीन बोल्दक में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के समय वो अफगान विशेष बल के साथ थे। घटनास्थल की प्रारंभिक तस्वीरें देखकर पता चलता है कि उनके शरीर पर चोट के कई घाव थे, लेकिन उसी दिन जब उनका शव रेड क्रॉस को सौंपा गया और कंधार के एक अस्पताल में ले जाया गया तो उस दौरान शव बुरी तरह से शक फिशक था। ये दावा वहां मौजूदा 2 भारतीय अफसरों के हवाले से किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर ये जानकारी हम दे रहे हैं आपको, जो रिपोर्ट सामने आई है, कुछ वीडियो सामने आई है, कुछ तस्वीरें सामने आई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।